अच्छा एक तो भाई साहब का विवाह हुआ तो उनका नाम था ठनठन पाल। तो उनकी जब पत्नी आई ने तो गांव वाले सब कहते हैं ठनठन, उनको बहुत बुरा लगता है, लोग ठनठन ठनठन कर रहे हैं तो उनको बहुत खराब लगता। भाई पत्नी को तो खराब लगेगा ना, जब खराब लगता तो एक दिन उसने कहा कि काम करिए आप बढ़िया नाम कोई रख लीजिए। बोले मेरे माता पिता ने रखा है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये हमारे माता पिता ने रखा है, बहुत बढ़िया नाम है देवी। बोले नहीं नहीं ये ठन 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 करते हैं लोग, हमको बहुत बुरा लगता है। बोले तो बोले कोई बढ़िया नाम ढूंढो। बोले ठीक है आज मैं ढूंढ के आता हूँ। जब थोड़ी दूर गए तो एक ठो मैया कंडी बीन रही थी, कंडी गोबर। उनसे पूछा मैया ये बताओ आपका नाम। बोले लक्ष्मी। बोले लक्ष्मी नाम है वो बीन रही है कंडा। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक भाई साहब हल जोत रहे थे। पहले ना बैल से हल जोता जाता था ना, हल जोत रहे थे। उन्होंने कहा भैया ये आपका ही खेत है। बोले नहीं नहीं ये सारा गाटा देख रहे हो ना, ये हमारे मालिक बाबू साहेब का है, हम तो सिर्फ हल जोतते हैं उनके यहाँ। बोले तो आपका नाम क्या है। बोले धनपाल। बोले बाप रे बाप, गाटा बाबू साहेब का, नाम धनपाल। फिर थोड़ी दूर गए एक लाश देखे आ रहा था, कंधे पे लेके लोग आ रहे थे। पूछा भैया ये कौन है, कौन मर गए। बोले भैया ये अमरपाल थे। बोले अमर थे वो मर गए। बोले हाँ वहीं से वापस आ गए। उनकी पत्नी ने पूछा कि बताइए कोई बढ़िया सा नाम लेके आए। बोले हाँ देवी नाम तो लेके आया हूँ। बोले कौन सा। बोले कंडी बीनत लक्ष्मी और धन हर जोते धनपाल और अमर हते सो मर गए उनसे अच्छा ठन ठन पाल। देवी इससे अच्छा नाम नहीं है। तो नाम का महत्व है महाराज। गुरुजी रखते हैं कि जो आनंद कंद सुख रासी, जो आनंद कंद सुख रासी, जो आनंद सिंधु सुख रासी, सीकर ते लोक सुपासी, सीकर ते रामचंद्र रख दिया। बहुत सुंदर।